हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता की जांच, यानी किस संख्या से कौन सा अंक से विभाजित हो जाता है। लिया गया संख्या कोई रहेगा, वो किस किस अंक से विभाजित हो जाएगा वो देखने मात्र से हमें पता चल जाएगा। तो हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्यता की जाँच, यानी दो से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी। तो दो से विभाज्यता की जांच में हम जानते हैं कि जिस अंक का जिस संख्या का इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। दो से क्या होगी? तो पूर्णतः विभाजित होगी, यानी जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8 ये संख्या क्या होगी, देखने मात्र से हम कह देंगे कि ये दो से पूर्णतः विभाजित होगी। 3, 6, 9, 3 ये संख्या देखेंगे, ये तो दो से विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये दो से विभाजित नहीं हो जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। और इकाई अंक यहाँ क्या कह रहा है, 2, 4, 6, 8 हो, यानी सारी सम संख्या और एक जीरो, तो वह दो से विभाजित होगी। और तीन से विभाज्यता का नियम है, तीन से विभाज्यता में नियम है कि जिस संख्या कोई संख्या है जिस संख्या का अंकों का योगफल तीन से विभाजित हो, तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कोई संख्या दिया हुआ है, अगर वह तीन से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगा, तीन से पूर्णतः विभाजित होगा। मान लिए कि वहाँ 123 दिया है, तो ये तीन से विभाजित है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों संख्या के दिए गए अंकों को जोड़ देते हैं। 1 + 3 कितना होगा, 3, 3, 6। ये 6 तीन से विभाजित है तो यह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। अब मान लिए 5, 6, 9, क्या ये संख्या तीन से विभाजित है? तो पहले हम देखते हैं इसके नियम, जैसे दिया हुआ है वैसे करते हैं। तो 5, 6, 11 और 11, 9, 20 तो ये संख्या तीन से विभाजित है, तो ये संख्या तो तीन से विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये संख्या तीन से विभाजित नहीं होगी। अब हम लेते हैं 6, 6, 9। अब इसे देखते हैं कि क्या यह संख्या तीन से विभाजित है। तो 6, 6, 12 और 12, 9 कितना हुआ, तो 17 हुआ। 17 ये भी क्या होगा, ये भी तीन से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये तीन से विभाजित नहीं है। अब मान लेते हैं, हम लेते हैं 5 + 6 + 8 तो 8, 6, 14 और 5, 19 ये भी क्या हो जाएगा, तीन से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। अब तो संख्या हम इसी तरह क्या कर लेंगे, जोड़ के हम पता कर लेंगे कि ये तीन से विभाजित है या नहीं है। एक संख्या और लेते हैं, पता कीजिए तो आप लोग कि ये तीन से विभाजित है या नहीं। तो इस संख्या को क्या करेंगे, हम इस संख्या को क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4
जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 1 3 है, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10, ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, 4 से विभाज्यता देखते हैं कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य भी बहुत सा आसान ही है, तो आइए देखते हैं अब 4 से विभाज्यता। जिस संख्या के दहाई अंक और इकाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे मान लिया हमने, ये भी एग्जाम्पल ही था, एग्जाम्पल में कि 4680, इसका इकाई और दहाई से कौन सा अंक बन रहा है, तो 80 बन रहा, और ये क्या है, ये 4 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 4644, ये भी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 3796, तो ये संख्या 4 से विभाजित है, तो ये भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन 34 और 89, ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, दहाई और इकाई यही है, दहाई और इकाई से बना संख्या यही है, ये 4 से विभाजित नहीं है, तो 4 से विभाजित नहीं होगी। अब हम देखते हैं 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है। तो हमने 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4, अब 5 देखते हैं। तो 5 से विभाजित में देखेंगे हम, 5 से विभाज्य में देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये हम 2 से लेकर 11 तक बता देंगे, उसके बाद इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे ये आसानी से हमें याद रह सकता है। तो मान लिया कोई संख्या 340 है, तो ये तो 5 से विभाजित होगी ही, और 345 भी है कोई संख्या, तो ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन मान लीजिए 333 है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अब हम देखते हैं 6 से विभाज्य का नियम क्या है, 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या, 2 से लेकर 11 तक, जिसमें हमने 5 तक देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 6 से विभाज्य का नियम देखते हैं, तो आइए देखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 6 को अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जो संख्या 6 के दोनों अभाज्य गुणनखंड
दो और तीन से। देखिए इकाई अंक पाँच में हमने क्या लिखा था, जीरो अथवा फाइव, यानी इकाई अंक जीरो हो या फाइव हो, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है दो और तीन, या नहीं लिखा है। मतलब कोई संख्या होगा वो दो से भी विभाजित होगा और तीन से भी विभाजित होगा, तभी जाके वह छः से विभाजित होगा। तो दो और तीन से विभाजित हो, दो और तीन से विभाजित हो तो वह संख्या छः से भी पूर्णतः विभाजित होगा। कोई संख्या है वो दो से भी विभाजित है, तीन से भी विभाजित है, तभी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या छः से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, तो सिक्स 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 ये दो से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, सिक्स है, और तीन से विभाज्य है तो इसको हम जोड़ेंगे कितना, तो छः छः बारह छः अठारह, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, छः से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे सात से विभाज्य का नियम, सात से विभाज्य का नियम, सात से विभाजित, सात से विभाजित आपको किसी बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। तो सात से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो जिस किसी संख्या के, किसी संख्या का इकाई अंक को दोगुना किया और बचे हुए अंक में घटा देने पर जो संख्या आती है अगर वह संख्या सात से विभाजित है तो दी गई संख्या भी सात से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब हम देखते हैं, जैसे 343 इसका जो इकाई अंक है क्या है, उसको दुगुना कर लेना है, तो इकाई अंक को दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन दुना छः, और बचा हुआ संख्या क्या है, 34 है, तो इसमें हम इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और 2। अब ये 28 सात से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, सात से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 8 से विभाज्य में क्या नियम है, तो 8 से विभाजित संख्या देखते हैं, 8 से विभाज्य, जिस किसी संख्या से, किसी संख्या के सैकड़ा दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या या तो 000 हो, या तो जीरो हो यानी तीनों संख्या जीरो हो, या 8 से विभाजित हो
विभाजित हो तो वह संख्या भी आठ से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लिया कोई संख्या है 4, 6, 7, 3 0 है, यानी सैकड़ा दहाई इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा जानते हैं हम, तो यहाँ क्या हो गया सैकड़ा दहाई इकाई। ये संख्या क्या है, तीनों जीरो है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आठ से पूर्णतः विभाजित होगी, या 8, 4, 8, ये संख्या तीनों इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा दहाई इकाई से बना 848। अगर ये 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित है, तो इसे हम चेक करते हैं, 8 4 8 को भाग देते हैं 8 से, तो 1 8 और 4 यहाँ 0, 8 6 48, तो ये संख्या भी पूर्णतः क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। तो आइए अब देखते हैं 9 से विभाज्य का नियम। तो 9 से विभाज्य का नियम में जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है उसके अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है जैसे 3 है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम 3, 6, 3। अब अगर इसका संख्या 9 से विभाजित होगा तभी यह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो इसको हम जोड़ते हैं तो 3, 6, 18, 19, 20, 21 21 है, तो ये 9 से विभाजित नहीं है, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। और मान लेते हैं 9 18, देखिए क्या यह 9 से विभाजित है, तो 9 + 1 + 8, तो 9 1 10 1 18, तो यह 9 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 10 से विभाज्य, ये सबसे आसान है, 10 से विभाज्य का नियम सबसे आसान है। 10 से विभाज्य, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह 10 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या हो गया 3, 4, 6, 0, 7, 8, 9, 0, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 है तो वह संख्या क्या हो जा रही है, 10 से विभाजित होगी। आइए अब हम देखते हैं 11 से विभाज्य, हमें 11 तक ही देखना था, तो 11 से विभाज्य का नियम देखते हैं। तो आइए 11 के बाद कोई भी संख्या आता है 12, 13, तो उसके उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उससे अगर वह संख्या विभाजित है तो वह संख्या उस संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 11 से विभाजित में है कि किसी संख्या के दाएं ओर से विषम संख्या का योगफल
विषम संख्या के योगफल तथा सम संख्या के योगफल सम संख्या के योगफल के अंतर का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई संख्या दिया है उसके हम दाएं से, देखिए एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये संख्या एक दिया है, इसका दायां तरफ कौन सा हो गया, तो ये हो गया इससे विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम इधर से कोई संख्या गिनते हैं तो ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हो गया। तो इसका विषम संख्या जानते हैं हम कि जो दो से पूर्णतः भाग ना लगे वो संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो ये संख्या विषम हो गया और ये संख्या विषम हो गया। तो इन दोनों संख्या को हमने जोड़ा तो तीन, और फिर यहाँ यहाँ जोड़ा सम संख्या कौन सा हो गया, ये और ये हो गया, इसको भी जोड़े तो तीन, माइनस कितना हो गया जीरो। अब जीरो से भी तो किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इससे बड़ा संख्या कोई देखते हैं 1321, क्या यह विभाजित होगी, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो तीन और प्लस वन चार, और इसको इसको जोड़ेंगे तो माइनस तीन, तो ये एक आ रहा, तो ये विभाजित होगी, नहीं विभाजित होगी। इसी तरह हम 11 से विभाज्य का नियम देख लेंगे। अभी हमने देखा है, हमने कहा था कि लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे कि क्या हो जिससे हम इसे हम याद रख सकते हैं। तो दो से विभाज्य के नियम में हमने देखा दो से विभाज्य के नियम में हमने देखा कि जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या है, दो यहाँ क्या है सम संख्या है, और इकाई अंक इससे विभाज्य के नियम में इकाई अंक भी सम संख्या है, यानी दो चार छः आठ नौ दस, नहीं नौ दस के बाद तो दस के बाद से नहीं गिनते हैं, नौ तक भी सम संख्या। तो जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या और प्लस क्या एक जीरो ले लेते हैं, तो वह संख्या क्या हो रही है, दो से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तीन से का नियम में हमने देखा कि किसी संख्या का योगफल यानी कोई संख्या दिया हुआ है उसका योगफल अगर तीन से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या हो जा रही है, तीन से विभाज्य हो रही है। और तीन से ही रिलेटेड क्या है, तीन का गुणज नौ है ना, तो नौ से में भी क्या है, नौ से में भी योगफल ही आ रहा है, दिया गया जो संख्या हो रहा है उसका योगफल ही आ रहा है। अगर यह योगफल नौ से विभाजित है, तीन से में क्या था कि दिया गया संख्या का योगफल अगर तीन से विभाजित है तो वह संख्या क्या हो जा रही है, तीन से विभाजित हो रही है। नौ से में आ रहा है कि दिया गया संख्या का योगफल अगर नौ से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो जा रही है, नौ से विभाजित हो जा रही है। जैसे 9 + 9 + 9 तो 9 18 9 27, यह भी क्या हो गया, नौ से विभाजित हो गया। अब हम देखते हैं चार का, चार से में क्या देख रहे हैं कि दहाई और इकाई से बना अंक अगर चार से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो रहा है, चार से विभाजित हो रहा। दहाई और इकाई से बना अंक अगर चार से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या है, चार से विभाजित है। और चार का गुना क्या होता है, गुणज आठ होता है ना, तो आठ में क्या है यहाँ दहाई इकाई है तो यहाँ सैकड़ा दहाई और इकाई है। इससे बना अंक अगर
आठ से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो जा रही है, आठ से विभाजित हो जा रही है। और इस तीनों के जगह पे, अगर तीनों के जगह पे शून्य है तो वह संख्या भी क्या हो रही है, आठ से विभाजित हो रही है। तो दो से में हमने देखा कि दो यहाँ पे सम है तो सारी संख्या क्या है, सम है, प्लस एक जीरो है। तीन से में हमने देखा कि अंकों का योगफल अगर तीन से विभाजित है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित है। नौ से में हमने देखा कि अंकों का योगफल नौ से विभाजित है तो वह संख्या भी नौ से विभाजित है। तीन और नौ एक साथ, चार और आठ एक साथ। चार में दहाई और इकाई से बना संख्या अगर चार से विभाजित है तो वह संख्या, पूरी संख्या भी चार से विभाजित होगी। आठ में सैकड़ा, दहाई और इकाई से बना अंक अगर चार से विभाजित है तो वह संख्या भी चार, आठ से विभाजित होगी। अब बचा है इसमें क्या, तो पाँच। पाँच का देखते हैं तो जो संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक है अगर जीरो और पाँच हो, जीरो और पाँच हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या पाँच से विभाजित हो जाएगी। जैसे फोर फोर फाइव या फोर फोर जीरो या थ्री फोर फाइव इटीसी। पाँच का गुणज क्या है, तो दस है। तो दस में क्या हो जा रहा है, इकाई अंक सिर्फ जीरो हो, कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक अगर जीरो है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या दस से विभाजित हो जाएगी। तीन और नौ एक साथ हो गया, चार और आठ भी एक साथ हो गया, अब पाँच और दस भी एक साथ हो गया। अब बचा है क्या, तो छः। तो छः का अभाज्य गुणनखंड होता है दो और तीन। तो जो संख्या दो से भी विभाजित हो, तीन से भी विभाजित हो तो वह क्या हो जाएगी, छः से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर सिक्स तो विभाजित नहीं होगा, थ्री फोर टू ले लेते हैं। तो ये अगर इसका इकाई अंक क्या है, टू है, और इसको जोड़ने पर कितना आता है, तीन चार सात आठ नौ, नौ। अगर ये तीन दो से भी विभाजित है, तीन से विभाजित है, तो ये छः से भी विभाजित हो जाएगी। अब सात, सात में कोई संख्या दिया हुआ है जैसे सिक्स फोर थ्री, देखते हैं ये विभाजित है कि नहीं। इसका नियम क्या है, इसको हमने दोगुना कर दिया, सिक्स कर दिया, और बचे हुए संख्या, जो संख्या बच गया है उसमें हमने इसको घटा दिया। तो चौदह में से छः जाएगा आठ और यहाँ बचेगा पाँच। अगर यह सात से विभाजित है तो ही संख्या सात से विभाजित होगी, अगर यह संख्या सात से विभाजित नहीं है तो यह संख्या सात से विभाजित नहीं होगी। तो अंठावन को हम भाग दे के देखते हैं किससे, सात से, तो लगेगा भाग, नहीं लगेगा, तो यह सात से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह हम देखते हैं थ्री फोर थ्री में, अगर इसको हमने दुगुना किया तो आया छः, और चौंतीस में हमने इसको घटाया तो आया अट्ठाईस। ये संख्या सात से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी सात से विभाजित हो जाएगी। हमने दो देख लिया, तीन नौ देख लिया, चार आठ देख लिया, पाँच दस देख लिया, छः देख लिया, सात देख लिया। अब क्या बचा है, अब बचा है ग्यारह। ग्यारह, ग्यारह में हमने कोई संख्या लिया है जैसे वन वन तीन, इसका ये इसको जोड़ेंगे, मतलब विषम अंक और सम अंक एक एक छोर के जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर वह दोनों अगर 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित होगा, जीरो किसी से विभाजित होगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन संख्या विभाजितता के नियम के बारे में जाना, कि कौन संख्या किससे विभाजित होती है ये हम देख के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लाएंगे, और इसके लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके बेल आइकन की जो है उसे प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आए उसे आप पहले देख सकें और उस वीडियो की आपकी जानकारी मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आशा करते हैं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया आज, तो कोई नहीं, हमने जान भी लिया दो से ग्यारह तक के विभाज्यता के नियम के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।